बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबाना और मैं बनाने जा रही हूँ अपनी किचन में मिल्क पेड़ा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 3 लीटर दूध, और दूध को मैंने गैस के ऊपर उबलने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर लगातार स्पून चलाते हुए इसे आधा हो जाने तक उबाल लेंगे। तो दूध को उबलते हुए 20 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होने लगा है। इसके अंदर कंटिन्यूसली स्क्रैप करते हुए स्पून चलाना है, जिससे कि इसके अंदर मलाई ना जमे। तो दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, तो अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून इलायची का पाउडर डालेंगे फ्लेवर के लिए, और 400 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। तो देखें, शुगर के मेल्ट होते ही इसका कलर चेंज होने लगा है, और जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा इसके अंदर स्पून चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइम पर इसके अंदर 1 टेबल स्पून घी डालेंगे और एक हाथ से कवर करेंगे और दूसरे हाथ से स्पून चलाते रहेंगे। इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून घी डालकर इसे अच्छे से भून लिया है, और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना शानदार आ गया है। तो अब ये कुछ ही मिनटों में कढ़ाई से अलग होने लगेगा। तो देखें, ये कढ़ाई से अलग होने लगा है। अब गैस का फ्लेम ऑफ़ करेंगे और इसे थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। गैस ऑफ़ करने के बाद भी इसके अंदर स्पून चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है और पेड़ा हमारा कहीं से डार्क और कहीं से लाइट हो जाएगा। तो पेड़ा बनाने के लिए अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे गर्म रहते ही बनाएंगे, नहीं तो ये फटने लगेगा। आप चाहें तो इसके ऊपर इलायची का दाना चिपका सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो ये काम ज़रा जल्दी जल्दी करेंगे। एक स्पून की हेल्प से मिक्सर को उठा लेंगे और फिर इसे गोल करेंगे और अंगूठे से हल्का सा दबा देंगे। तो देखें, मैंने पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया है, और ये घर का बना हुआ पेड़ा बहुत ही टेस्टी बना है, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।